नमस्कार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बनाएंगे सेवैयाँ खीर, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और हम कभी भी इसे बनाकर खा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये सेवैयाँ खीर की रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी रेसिपी को आगे ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिए। सेवैयाँ खीर बनाने के लिए हम लेंगे सेवैयाँ, ये बाज़ार में बड़ी आसानी से मिल जाती है। थोड़ा गाय का देसी घी, चीनी, कटे हुए पिस्ता, दो छोटी इलायची और आधा लीटर दूध। सेवैयाँ बनाने के लिए हम सबसे पहले गैस को ऑन करेंगे और गैस पे कढ़ाई रखेंगे। गैस हमने ऑन कर लिया है और कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। कढ़ाई के अंदर घी डाल देंगे, जितनी सेवैयाँ भून सके उतना ही घी डालेंगे। घी को एक मिनट गर्म होने देंगे, एक मिनट नहीं लगेगा, थोड़ी सी देर में घी हमारा गर्म हो जाएगा। घी के अंदर हम सेवैयाँ डाल देते हैं। गैस को थोड़ा कम में रखेंगे, सेवैयाँ को लगातार चलाते रहेंगे ताकि ये कढ़ाई के तले में बिल्कुल भी चिपके नहीं। इन्हें हम हल्का ब्राउन कलर का होने तक फ्राई करेंगे। गैस को मीडियम में रखेंगे। सेवैया हमारी थोड़ी बुरी कलर की हो गई है, हम थोड़ा और इन्हें फ्राई करेंगे, थोड़ा और गहरा रंग करेंगे इनका। एक मिनट तक हम इन्हें और सेकते हैं। सेवैया हमारी बिल्कुल बुरे कलर की हो गई है, जैसा कलर हमें चाहिए था वैसा हो गया। अब इसमें हम दूध है वो डाल देंगे। दूध हमने डाल दिया है, सेवैयों को अच्छे से खिला देंगे और दूध के अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे। इन्हें पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 से 7 मिनट में ये बिल्कुल पककर तैयार हो जाएंगे। गैस को हम कम ही रखेंगे, पहले 2-3 मिनट तक हम इन्हें ऐसे ही पकाएंगे। इसके बाद हम इसमें जो चीनी है वो डालेंगे। सेवैयाँ हमारी थोड़ी, सेवैया की खीर हमारी थोड़ी पक गई। आप देख सकते हैं कि सेवैयाँ हमारी दूध में ऊपर आ गई है और खीर हमारी काफ़ी हद तक पक गई है। अब इसमें हमारी जो चीनी है वो हम डाल देंगे। और अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारी जो इलायची थी उसे भी हमने कूट कर तैयार कर लिया है, वो भी डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। अब हम सेवैया खीर को 2-3 मिनट तक और पकाएंगे ताकि हमारी जो खीर है वो अच्छे से बनकर तैयार हो जाए और इलायची की खुशबू में अच्छे से हो जाए। सेवैया की खीर हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है, हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। सेवैयों को हमने फ्राई कर लिया था, इसलिए हमारी जो खीर वो बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हुई है। अब हमारे जो पिस्ते हैं बारीक कटे हुए वो हम खीर पे डाल देते हैं। अगर आपको मेरी ये खीर की रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी रेसिपी को आगे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।